हेलो आहिल बेटा, कहाँ हो तुम? सुबह से घर पर दिखाई नहीं दिए। वो मम्मी एक जरूरी मीटिंग में। मम्मी मीटिंग? जी जी। कौन सी मीटिंग आहिल? अच्छा ये सब छोड़ो, वो सनम भी ना सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम्हारे साथ गई है? नहीं बिल्कुल नहीं अम्मी। वो मेरे साथ मीटिंग में क्या करेगी? I'm busy with some clients अम्मी। मैं जस्ट खत्म करके आपको फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, जल्दी वापस घर आना, वो हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके अम्मी। ये है रेडियो भोजपुर और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि योगेश को। भोजपुर रेडियो, इसका मतलब आहिल भोजपुर हिल साइड पर गया है। लेकिन वो वहां सनम को क्यों लेकर गया? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है आहिल। कहो। पहले आप। पहले तुम। आहिल आपने आपने बात शुरू की थी। पहले तुम। आहिल कहिए ना। पहले तुम। आपने बात शुरू की थी ना, आप बताइए। जब बात तुमने शुरू की है अब तुम ही कहोगे। आप जितना जल्दी बताएंगे मैं भी उतनी जल्दी कह दूंगी। सॉरी, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो लिली तुम यहां पे तुम व्हाट आर यू डूइंग हियर? मुझे पता था कि तुम यहीं होगे हमेशा की तरह, तो हमने सोचा हम भी आ जाए। हम? Who's this हम? जी आंटी, आपका काम हो गया है, हम यहाँ पहुँच गए हैं और वो भी यहीं पर है। तुम लोगों को पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी आंटी। What are you guys doing here? Hi. It's all right. Hi. वाओ, बहुत प्रिटी है आहिल। वैसे है कौन ये? तुम्हें पता है हम लोगों ने यहाँ बहुत सी पार्टियाँ की हैं। वाइल्ड नाइट्स यू नो। ड्रिंक्स एंड फ्रूट का है यार। व्हाट? वन सेकंड, यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हो रही है, अंडरस्टैंड दैट? और यहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। What? Wife? Absolutely. मेरी बेगम सनम
आहिल रजा इब्राहिम। आहिल और वाइफ, OMG, आई मीन अगर आहिल हस्बैंड बन सकता है तो कोई कुछ भी बन सकता है। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम हस्बैंड टाइप्स हो। एंड एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी आर सो सॉरी, हमें नहीं लगा था कि तुम अपनी वाइफ के साथ हो। यू नो व्हाट, वक्त आ गया कि अब तुम दोनों दूसरी पार्टी ढूंढो। अंडरस्टैंड दैट? अब चलो, कम ऑन, टाइम टू लीव प्लीज। ऑलराइट, जिस दिन से आया मेरा जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आप मुझे डराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप मुझे रोज रोज नई धमकियां देंगे और मैं रोज रोज डरती रहूंगी? मुझे कब, क्या और क्यों करना है इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूं। और हां, ये बोल के तो मुझे दोबारा कभी मत डराना कि तुम लोग मेरी असलियत रेहान को बता दोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो बचोगे तुम दोनों भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे बारे में भी बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और फिर सब मिल के जेल में टाइम पास करेंगे, समझे? अनाजी, क्या है, क्या सुनहरी में क्या कर रही है? बोला ना कि मुझे तंग करना बंद करो। इसको चुप है, तेरी बेटी बेटी नहीं हूं मैं, मेकअप की दुकान आइटम कहेगी। निकल यहां से, निकल निकल यहां से। क्या मैं है? क्या मैं तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अरे लेकिन हम तो तुम्हारे पार्टनर्स हैं। पार्टनर हो तुम, मेरे शक्ल देखी अपनी? अभी इसी वक्त मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि तुम दोनों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब ज्यादा किटकिट की ना तो डायरी और पेन पकड़ के ना जेल में भिजवा दूंगी, वहीं पे बैठ के शादी करना। अरे ये, निकल यहाँ से, तू निकल, चल तू तो पहले निकल, चल टंकी कहीं, निकल निकल। अरे अरे हटा, लग जाएगा। अरे बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? हाँ देखना तेरा भांडा बहुत जल्दी फूट जाएगा, रेहान ना तेरे को धक्के मार के निकाल देगा, अपुन के पास ही आना पड़ेगा तेरे को। अरे तू तो कितने भी रंग बदलने लेके, ये तो तू छोड़ ना, हो गया तेरा बोल के। तू निकल रही है कि मैं तेरे को बताऊं ये चाकू कैसे लगता है? अरे जाना, अरे लग गया चाकू, दरवाजा खोल, निकल यहां से। चलो चलो चलो, मुझ पे चाकू भागो यहां से। हाँ ये सच है कि मैं एक चोर हूं, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपनी सच्चाई को पीछे छोड़ना चाहती हूँ, इसे बदलना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं रेहान को अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं अपना आज, अपना आने वाला कल खुद बनाऊंगी। एक बात कहें आहिल बेटा, कहते हैं कि वक्त और हालात के साथ अक्सर आदतें बदल जाया करते हैं, पर हम भी महसूस कर रहे हैं कि आजकल तुम वैसा कर रहे हो जैसा पहले कभी नहीं किया करते थे। जैसे कि तुम्हारा हमसे झूठ बोलना, कि तुम कहां और किसके साथ थे। अम्मी नहीं, वो बात नहीं है एक्चुअली। कोई बात नहीं आया बेटा, हमने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। वो तो एक बहुत जरूरी बात कहनी थी तुमसे। प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार हो गए, तो हम चाह रहे थे कि तुम दोनों अगर दस्तखत कर दो तो। अभी अम्मी? हाँ अभी, क्यों अभी भी कोई जरूरी काम बाकी है? नहीं, वो दरअसल बात ये। आहिल बेटा दस्तखत कर दो, क्योंकि इसके बाद हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तलाक के पेपर्स तकरीबन तैयार हो गए, 2-3 दिन में मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार हो गए, तो हम चाह रहे थे कि तुम दोनों अगर दस्तखत कर दो तो। अभी अम्मी? हाँ अभी।
ये लो ये पेपर्स और ये रहा पेन। लो दस्तखत कर दो। I love सनम आहिल रजा इब्राहिम। क्या हुआ बेटा साइन करो। क्या हुआ है बेटा साइन करो। भाई ये पेन चल रहा है ना। बाहर बेगम साहिबा से आपने झूठ क्यों बोला। जवाब नहीं दिया आपने। सनम उन पेपर्स पर दस्तखत करना मतलब हमारे इस रिश्ते को खत्म करना जो अभी शुरू हुआ है। अम्मी के लिए हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक बार जो पेपर्स पर मैंने दस्तखत कर दिए तो फिर अम्मी इस रिश्ते को खत्म करना चाहेगी। हो सकता है कि आपकी अम्मी के लिए रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन आहिल माफ कीजिएगा जरूरी तो नहीं है कि जैसा वो सोचती हैं या चाहती हैं वैसा ही हो। आहिल मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कैसा होगा और कैसा होना चाहिए ये सिर्फ हम दोनों के ऊपर है। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो आपको लगता है कि कोई हमें अलग कर सकता है। तुझे क्या लगा था दरवाजा बंद होगा तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। ऐसी आप बेगम हो मैं जो ठान लेती हूँ वो करके दम लेती हूँ। उसके लिए मुझे मुर्दे की कब्रों में क्यों ना जाना पड़े। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे रुक जा मैं अभी भाग कर जाएगी कहाँ यहाँ से तो नहीं निकल पा रही हूँ। तू रुक रुक नहीं बुढ़िया तुझे मैं अल्लाह अरे भाग कर रही है रुक जा मर गई अल्लाह अरे मर गई क्या जिंदा है बुढ़िया
बेटा ने मेरा बाल काट दिए। अल्लाह कोई बता दे कि मेरा बुरा ख्वाब है। जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो आहिर, क्योंकि ऐसा करके तुम सनम को ही चोट पहुंचाओगे। देखो आहिर बेटा, तुम एक अच्छे शौहर कभी नहीं बन सकते। तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज के लिए समझौता नहीं किया। हाँ भले ही तुम्हें कभी कोई चीज पसंद आई हो, लेकिन जब कोई नई चीज आ जाती थी तो तुम्हें वो पसंद आ जाती थी। ऐसे ही तुम्हें अभी सनम पसंद है, वो तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद तुम्हारा उससे मन भर जाएगा तब क्या होगा? देखो आहिर, ऐसा करके तुम सनम की जिंदगी बर्बाद कर रहे और अपनी भी बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? एक बात याद रखना आहिर बेटा, हम प्रॉपर्टी के लिए मरे नहीं जा रहे। तुम्हारा जब मन करे तब उन कागजात पर दस्तखत कर देना। बस बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आइंदा अपनी अम्मी से झूठ मत बोलना। क्या क्या उसने मानी वो? अल्लाह का शुक्र है, अगर उसने निकाह से इनकार कर दिया होता ना तो भाईजान मेरी तो जान ही निकल जाती। लेकिन भाईजान आपने उसे सब कुछ समझा दिया ना, सब कुछ बता दिया ना उसे कि मैं कितना गिल्ट फील कर रहा हूं, मुझसे गलती हुई थी और दोबारा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और आपने हया को बता दिया ना कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कानून है। ऑफ कोर्स मैं भी कितना बड़ा पागल हूं, ऑफ कोर्स आपने बताया होगा उसे, तभी तो उसने निकाह के लिए हां किया है। आई एम सॉरी भाईजान, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। और ये सारी खुशियां मुझे आपने दी। यू नो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके हया की निकाह की तैयारी मैं करूंगा। आहिर आपके लिए ये शर्ट। अच्छा आपने ये पहन ली, ये भी अच्छी लग रही है। ये आप कल इन्हें क्या हो गया अचानक? हाँ प्रॉपर्टी पेपर्स को साइन करने को लेकर परेशान होंगे। बात ही ऐसी है। नाश्ता बनाती हूँ इनके लिए। और वैसे भी बड़ी अम्मी कहती है शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। ऐसा नाश्ता बनाऊंगी ना मूड एकदम ठीक हो जाएगा। वो मेथी के पराठे बना दूं? नहीं ऑमलेट ही बना देती हूँ। आई ऑमलेट तो ऑलमोस्ट रोज खाते हैं। और क्या बनाऊं? कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। तो ये लतीफ कभी वक्त पे मिलता नहीं है मुझे। लतीफ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं, मेरी खूबसूरती पे दाग जो लग गया है ये देखो। ये किसने किया? किसने किया ये छोड़ो,
पर जिसने भी किया ना, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह उन्हें कीड़े पड़ेंगे किए, जन्नत में भी कभी जगह नहीं मिलेगी। देखो ऐसा नहीं कहते, अपने मुंह से हम किसी के लिए बुरा क्यों बोले। हाँ वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अब भी खूबसूरत लग रहे हो। वो तो लगूंगी ही, चांद में दाग लग जाए ना फिर भी वो खूबसूरती दिखता है। मैं तो हुई छुई मुई। अच्छा चलो अभी खुश हो गई ना, अब जल्दी से नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। पता नहीं आहिल का मूड इतना खराब क्यों है, मैंने सोचा कि अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ, खुश हो जाएंगे। अच्छा पर कल रात को उनका मूड तो एकदम ठीक था, वो बेगम साहिबा से बात भी कर रहे थे। क्या कब देखा? जब तुम दोनों बाहर से आए फिर अपने कमरे में गए, उसके बाद आहिल बाबा फिर आए थे अपने कमरे से बाहर, और तभी बेगम साहिबा से बात की उन्होंने। पर अब ये नाश्ता बनाने का क्या फायदा, आहिल बाबा तो अभी अभी बाहर चले गए। क्या बात कर रहे हो, वो ऐसे कैसे बाहर जा सकते हैं? एक बात कहें, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया करते, हमसे उलझने की कोशिश मत करो, खास तौर पर आहिल के मामले में। वो अपनी माँ का बिगड़ा हुआ बेटा है, बेचारा वही करेगा जो हम कहेंगे, और तुम जैसी दो कौड़ी की नौकरानी उसका दिल नहीं बदल सकती, समझे? आपने कल रात आहिल से क्या बात की थी? हम अपने बेटे से क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए सना। तुम बस इतना समझ लो, आहिल हमारा बेटा है, हम जो कहेंगे वो वही करेगा, हमारी बात के खिलाफ वो कभी नहीं जाएगा। तुम यहाँ जो करने आई हो ना, बस वही करो, उसके बाद तुम्हारा जहां दिल करे, जहां मन करे ना, वहां दफा हो जाना, समझे? चल अब इन पेपर्स पे दस्तखत करो। करो। मैं नहीं करूंगी बेगम साहब। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी बात से इनकार कर रही हो, दस्तखत करो। बेगम साहब आप जब तक आहिल मेरे साथ नहीं होंगे मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। हमने कहा ना दस्तखत करो, तो मतलब करो। लेकिन साहिबा मेरा हाथ छोड़िए। हमने कहा दस्तखत करो। साहिबा मेरे को दर्द हो रहा है। एक बार में सुनाई नहीं देता है, कहा ना दस्तखत करो। पापा ठीक है मैं बताती हूँ रेहान को, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद होती है ट्रस्ट। पता मुझे सब कुछ है लेकिन डर बहुत लगता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना, जो पिछले दो तीन मंगलवार नहीं आई ना, उनके लड्डू भी लेके आऊंगी। एक मंगलवार का व्रत रखूंगी मैं, खाऊं बिल्ली जिसको खाने का इतना शौक है, व्रत रखूंगी सिर्फ आपके लिए, बस सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। इस मोटे बुद्धे को तुमने बता दी। अरे चोर चोर चोर, अरे अरे पहुंच गई बड़े पापा के मंदिर। यही वो बप्पा का मंदिर है जहाँ के बूंदी के लड्डू का प्रसाद मशहूर है। पर अल्लाह एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस सब का शहर से क्या लेना देना है। कल
कभी लड्डू, कभी बाल, कभी कुछ, अब दुकान भी। क्या लगता है सनी, ये सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं? इस समय हमारा मतलब है? नहीं सना, ये सब कुछ हम अपने बेटे आहिल के लिए कर रहे हैं। पर क्या क्या तुम जानती भी हो कि आहिल ने अपने बचपन में क्या क्या किया? इधर सना, इसे मेरा बोझ तो हल्का हुआ है, पर एक सच के साथ मुझे अभी भी जीना होगा। कैसा सच? कि मैंने उनका कत्ल किया, मैंने मेरे अब्बू का कत्ल किया सर। हमने उसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, ये सोचकर ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि उस वक्त तुम वहां पर नहीं थे जब वो रोता हुआ हमारे पास आया था और उसने हमें वो गन दिखाई थी और हमसे कहा था कि उसने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। जानती हो, उस वक्त तो हमारे होश ही उड़ गए थे। इसमें मुझे नहीं बताइए ये सब कैसे हुआ। वो गन मेरे हाथ में थी और जब अम्मी ने आकर मुझे ये बताया कि वो गन से मैंने अपने अब्बू का कत्ल किया, तो बात सुनकर मेरे तो ये तो होश ही उड़ गए। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आहिल और बेगम साहिबा एक ही हादसे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों की कहानी एक दूसरे से मिल क्यों नहीं रही? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।